देखिए सीएमओ विभाग की जो टीम है स्वार के नरपत नगर पहुंची, जहां पर कई अस्पताल और क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब जो है वहां पर सीज की गई है, और उनके खिलाफ जो संचालक है FIR भी दर्ज कराई गई है। आपको बता दें दिवेश चौधरी जो नोडल अधिकारी हैं और संजोग बाबू और भी जो है अन्य लोग जो है टीम में शामिल रहे हैं, और ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। स्वार, टांडा और अन्य जगहों पर इन्होंने कार्रवाई की है, बिलासपुर में भी कई अस्पताल सीज करे हैं। तो आपको बता रहे हैं लगातार सीएमओ विभाग अब शिकंजा जो है इन झोला छापों पर कसता जा रहा है, और जिस तरीके से इनकी कार्रवाई हो रही है तो दहशत सी मच गई है झोला छापों में, और फर्जी तरीके से अवैध तरीके से अस्पताल चलाने वाले हड़कंप मच गया है। बहुत से लोग तो अपनी कुर्सियां हैं वो छोड़कर भाग रहे हैं। इन पर महत्वपूर्ण बात यह है कि FIR दर्ज कराई जा रही है और इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं खौफ जो है सीएमओ विभाग कई लोगों को दिख रहा है, और ये अपने अपने शटर बंद कर फरार भी हो रहे हैं। एक लैब थी उसे सील कर रहा है, और एक लैब अपनी स्वार में थी उसे सील किया है। नरपतनगर में एक क्लिनिक भी था और डॉक्टर रिजवान करके था उसे भी सील किया। एक इधर शिवपुरी पड़ता है वहाँ भी एक क्लिनिक था माही करके, वो नर्सिंग होम था। इन चारों को सील करके इनके FIR करा दी गई है आज। और एक वहाँ पे अस्पताल भी था वो, हाँ शिवपुरी में था, वो नर्सिंग होम टाइप का था, उसे भी सील करके उसकी FIR करा दी गई है। क्या कार्रवाई की है? सबको सील कर दिया गया, FIR करा दी गई है। मतलब चार अस्पताल सीज किए आज। हाँ जी, हाँ जी। मरीज भी मिले? मरीज मिले थे रिजवान के यहाँ नरपत नगर।